सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है, उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी, बोलो, धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे, जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास, महामृत्युंजय का जाप कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए, किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो, वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है, फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर, या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा पांच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग, इसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काई पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर वापस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है, और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें, उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर, परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमः शिवाय, या पंचाक्षर मंत्र, या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो, उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए, और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो,
उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, तीन चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे। भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पढ़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाएगी। मात्र 3 महीने। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कभी अगर मौका लगे सोमवार की अष्टमी पड़ जाए। क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का, थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से, तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है, या मंदिर में शिवलिंग है, या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा ही दे।
मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित भाव के साथ अब समर्पित, देसी गाय का दूध एक एक बूंद समर्पित कर, धीरे धीरे समर्पित करो। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहाँ पर होना चाहिए। कार्य में सफलता मिलती है, शिव तत्व को धारण। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। पीला चंदन लगाना है, कितना लगाना है, बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए, इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनिया देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे, जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें, और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें, बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है, पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका
धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी में है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए महाराज, 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी, शिव और आदि शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी।